फ्रेंड्स, आज हम लोगों को करना है अपना नया टॉपिक लर्निंग डिसएबिलिटीज, अधिगम संबंधी अक्षमताएं, यानी सीखने में जो भी समस्याएं आती है, जो प्रॉब्लम आती है, आज हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किस एक्ट के तहत जो है ये डिसएबिलिटीज होती है। तो देखिए, आपका जो RPWD एक्ट है, आपका RPWD एक्ट जो कि आपका आया था 1995 में, इसके अंदर आपकी 7 डिसएबिलिटीज शामिल की गई थी। कितनी की गई थी? 7 डिसएबिलिटीज शामिल की गई थी। उसके बाद जब इस एक्ट को रिप्लेस करके जब नया एक्ट आया जो कि 2016 में आया, उसके अंदर क्या हुआ, 7 डिसेबिलिटीज तो थी, इसके साथ ही 14 और शामिल कर दी गई और अब 21 डिसेबिलिटीज जो है वो हमारी RPWD एक्ट में शामिल करी है। तो हमारी डिसेबिलिटीज कितनी है अब? 21 डिसेबिलिटीज है, जिसके अंदर 30% से लेकर 40% तक डिसेबल्ड पर्सन है जो उसी को इस कैटेगरी में रखा जाएगा। 6 से 18 साल के जो बच्चे होंगे, 6 से 18 साल के जो बच्चे होंगे उन पर ये एक्ट जो है वो लागू होगा। तो जो आपने पढ़ा है कि हमारे संविधान में 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, तो वहां उसको आप याद दिमाग में रखेंगे और आप भी कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर हम डिसेबिलिटीज की बात कर रहे हैं, तो 6 से 18 साल के बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक है वो है लर्निंग डिसेबिलिटी। हम अपने सिलेबस में लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में बात करेंगे कि सीखने में कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको फेस करने को मिलती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है बच्चों के बीच में या फिर व्यक्ति के या कोई भी पर्सन जो होता है उसके अंदर। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो है वो है आपका डिसलेक्सिया। और कहीं कहीं पर आपको ये क्या मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको ये अलेक्सिया भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको ये अलेक्सिया भी देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूज ना हो, दोनों वर्ड को याद रखना है। एग्जाम में डिसलेक्सिया नहीं आता है, अलेक्सिया आता है, तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब ये तो हमने पढ़ा नहीं था, ये कहां से आ गया। तो ये अलेक्सिया इसको भी बोल सकते हैं। डिसलेक्सिया जो है ये रीडिंग डिसऑर्डर होता है। कौन सा डिसऑर्डर होता है? रीडिंग डिसऑर्डर, यानी पठन संबंधी विकार, पढ़ने में जो प्रॉब्लम आती है उसे ही बोलते हैं डिसलेक्सिया। तो ये कैसी प्रॉब्लम होती है इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि कोई बच्चा है, उसको हम दिखाते हैं 100, क्या दिखाते हैं? 100, SAW 100, लेकिन वो क्या पढ़ रहा है? वॉल्स, वो हमेशा वॉल्स पढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि उसे पढ़ना नहीं आता है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो फिर भी इसको उल्टा पढ़ रहा है। तो पढ़ने में जो प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब उसे कौन सी डिसेबिलिटी है? उसे डिसलेक्सिया है, उसे डिसलेक्सिया डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है आपका डिसग्राफिया। डिसग्राफिया देखिए ग्राफ से रिलेटेड है। अब ग्राफ जो है वो आप क्या करते हैं, ग्राफ पढ़ते तो नहीं है, ग्राफ को आप बनाते हैं, आप लिखते हैं जब भी तो बना पाते हैं। तो डिसग्राफिया जो है वो कैसा है, आपका लिखने संबंधी, यानी कि आपका राइटिंग डिसऑर्डर है ये, लेखन संबंधी विकार। जब लेखन संबंधी प्रॉब्लम आती है तो उसे बोलते हैं डिसग्राफिया। इसमें कैसे, इसी एग्जांपल को अगर ध्यान में रखते हैं तो हम बोलते हैं उसको 100 लिखने को, लेकिन वो क्या लिख रहा है? वो वॉज लिख रहा है। एग्जाम्पल ये एक जैसा है, इसलिए एग्जाम्पल एक जैसा ले ली हूं क्योंकि आपके जो ऑप्शन आते हैं वो इसी तरीके से आते हैं कि आप समझेंगे कि डिसलेक्सिया है या डिसग्राफिया। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, जब हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, पढ़ने की, तो वो होगा आपका डिसलेक्सिया। लेकिन जब हम लेखन संबंधी बात करें, लिखने की, कि उस बच्चे ने, एक शिक्षक ने अपने बच्चों को कुछ लिखने को दिया लेकिन उसे लिखने में समस्या आई, क्या है? डिसग्राफिया। तो वहां आप डिसग्राफिया टिक करेंगे, लेकिन जब उसे पढ़ने में समस्या आई तो आप करेंगे डिसलेक्सिया। तो आप डिसलेक्सिया जो है अलेक्सिया के रूप में भी मिल सकता है, और डिसग्राफिया जो है वो भी आपको अग्राफिया के रूप में मिल सकता है। इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए डिस का अर्थ क्या होता है, कम होना, और आ का अर्थ यानी कि आपको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यानी किसी चीज का एब्सेंस होना, एब्सेंट होना किसी चीज का, यानी कि वहां पे उस चीज की कमी होना। तो यानी कि इसको अलग अलग अगर देखें तो किसी चीज की कमी होना, किसी कमी होना,
पढ़ने की, किसकी कमी हो रहा है यहाँ पर, लिखने की। तो ये दोनों चीजें जो वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगर डिसलेक्सिया में मैथ का क्वेश्चन आ जाता है तो वो 29 को क्या पढ़ रहा है, 92। जब लिखने संबंधी प्रॉब्लम आ रही है तो वो 29 को क्या लिख रहा है, 92। यहाँ हम पढ़ने की बात करते हैं, यहाँ हम लिखने की बात करते हैं, तो इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आपका देखिए क्या है, नेक्स्ट आपका है डिसकैलकुलिया। अब ये कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन से रिलेटेड है। अब कैलकुलेशन हम किसमें करते हैं, हिंदी इंग्लिश में तो नहीं करते हैं, हम किसमें करते हैं, मैथ्स में करते हैं। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि आपके मैथमेटिक्स से संबंधित प्रॉब्लम है, गणितीय विकार, यानी कि मैथ्स से संबंधित यहाँ पर समस्या आ रही है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, अगर हम उसको 28 माइनस 2 दे रहे हैं तो वो जो बच्चा होगा वो उसका आंसर क्या लिखेगा, 14। तो वो 14 क्यों लिख रहा है, वो 14 इसलिए नहीं लिख रहा है कि उसका जो माइंड जो है वो कम है या उसका दिमाग काम नहीं करता है, दिमाग कम है, ऐसा कुछ नहीं है, उसके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, बाकी वो उसमें जो बुद्धि है वो है, यानी वो पागल नहीं है और ना ही वो अनपढ़ है, क्योंकि उसने क्या देख लिया है, इस माइनस के निशान को वो डिवाइड समझ लिया है, इसलिए उसने उसका आंसर 14 दिया है। एक और एग्जांपल देख लें, अगर टीचर जो है वो उसको क्या दे रही है, 2 × 3 दे रही है, तो वो इसका आंसर जो है वो 5 लिख रहा है। अब इसका रीजन क्या है कि उसने मल्टीप्लाई को क्या समझ लिया है, एडिशन समझ लिया है, इसलिए उसने ये किया है। तो उसके नर्वस सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ जाती है इसकी वजह से ये प्रॉब्लम उसको आ रही है, इसलिए वो ये गलती कर रहा है। तो ये गलती जो है वो उसकी लाइफ टाइम की नहीं है, बल्कि उसे सुधारा भी जा सकता है। इसीलिए बोलते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटीज जो है वो वैल्यूएबल होती है, वेरिएबल होती है, वेरिएबल मीन्स अस्थिर होती है, जिंदगी भर नहीं चलती है, इसे भी सही किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका अफेजिया। अफेजिया को हम ऐसे याद रख सकते हैं, फेस, फेस से याद रख सकते हैं, फेस यानी कि किसी से भी कम्युनिकेट ना कर पाना, यानी कि किसी से बात करने में भी परेशानी होना, ऐसा जो बच्चा होता है वो क्या होता है उसका, कि वो सामने किसी को फेस नहीं कर पाता है और वो कुछ भी बताने में भी उसको अच्छा नहीं लगता है, यानी सोशली नहीं होता है वो, समाज में रहकर किसी से बात भी करना नहीं चाहता, वो अकेला अच्छा महसूस करता है। तो ये अफेजिया क्या है, जो उसकी भाषा संबंधी, भाषा संप्रेक्षण संबंधी जो विकार आ गया है उसके अंदर, ये उस तरीके का डिसऑर्डर है, यानी किसी को फेस ना कर पाना, इससे आप याद रखिएगा इसको। कहीं कहीं पर आपको अफेजिया जो है ये भी आपको डिसफेजिया के रूप में भी मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अफेजिया यानी डिसफेजिया के रूप में, डिसकैलकुलिया यानी कि अकैलकुलिया, डिसग्राफिया यानी अग्राफिया, और डिसलेक्सिया यानी अलेक्सिया, इसके रूप में भी मिल सकता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप में तो ये पड़ा हुआ है। नेक्स्ट है आपका डिसमॉर्फिया। तो ये डिसमॉर्फिया है, ये क्या है, डिसमॉर्फिया यानी कि अब इसका आपके, मैं जो आपको ये जो लाइन करके बताती हूँ ये आपकी याद करने के लिए बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप इसी चीज को लेकर ही रहें, क्योंकि इसके अर्थ दूसरे ही है। आप देखिए डिसमॉर्फिया में मोर शब्द जो है यानी इसका मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो आपने देखा होगा कि हम जब 11th क्लास में भी थे, आप लोग भी थे, तो उस वक्त क्या था, हम जो अक्सर लड़कियां होती हैं वो शीशे के आगे अपने आप को फेस करती हैं, लेकिन उनको उसमें कुछ और ही दिखाई देता है, यानी कि अपनी बॉडी जो है वो अजीबोगरीब दिखाई देती है। तो ये उसी संबंधी प्रॉब्लम होती है, यानी कि बॉडी से रिलेटेड, बॉडी जो है, बॉडी का अजीब लगना, आप ऐसे लिख लें इसको, अजीब लगना, ये उस संबंधी विकार होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिसथीमिया। डिसथीमिया यानी कि टेंशन से संबंधी है, यानी कि तनाव संबंधी विकार। तो ये तनाव संबंधी विकार जो है ये तो हम लोगों के साथ हुआ भी है और आप लोगों के साथ अब हो भी रहा होगा,
और वो कैसे, एग्जाम आते हैं तो हर एक कोई टेंशन में आ जाता है, तो कई लोग जो होते हैं वो इतना ज्यादा टेंशन में आते हैं कि उन्हें डिस्लेक्सिया जो है वो हो जाता है। तो ये कीवर्ड जो है वो आपको पकड़ के रखने हैं, जैसे पठन डिस्लेक्सिया और लेखन डिस्ग्राफिया, कैलकुलिया यानी कि गणित संबंधी, अफेजिया फेस न कर पाना यानी संप्रेषण संबंधी, डिस्मोर्फिया यानी बॉडी का अजीबोगरीब दिखना, डिस्थीमिया थीम को पकड़ लीजिए यानी टी से थीम बनता है तो टी से ही टेंशन बनती है। उसके बाद है डिस्पैक्सिया। अब ये डिस्पैक्सिया क्या होता है, डिस्पैक्सिया यानी कि हमारे जो मोटर स्किल्स होती हैं हमारी, जो हमारे गतिक कौशल होते हैं, इनका प्रॉपरली काम न कर पाना। तो ये डिस्पैक्सिया में जो हमारी मोटर स्किल्स होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, और वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है आपकी फाइन मोटर स्किल्स, एक तो होती है आपकी फाइन मोटर स्किल्स और दूसरी होती है आपकी ग्रॉस मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल्स यानी कि सूक्ष्म गतिक कौशल, यानी कि हमारे बॉडी के जो छोटे छोटे आपके अंग हैं, जैसे आपकी फिंगर हो गई, आपके लिप्स हो गए, आपके मतलब जैसे आपको अगर बोला जाए कि आप इस चीज को लिखिए लेकिन आप नहीं लिख पा रहे क्योंकि आपके जो फाइन मोटर स्किल है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे लिखना हो गया, ये आपकी फाइन मोटर स्किल्स है। ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होती है, यानी आपके बॉडी जैसे कि आपका दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, यानी कि आपका बॉडी के जो आप इतना पूरा वर्क करना चाहिए वो वाले पार्ट जो है वो काम प्रॉपर ना कर पाए, तो यहाँ पर आप दौड़ना कूदना चढ़ना। नेक्स्ट है आपका ऑटिज्म। ऑटिज्म, ऑटिज्म को हिंदी में बोलते हैं स्वलीनता। तो इसके हिंदी में इसलिए इसका अच्छे से समझ में आता है क्योंकि स्वलीन यानी कि स्वयं में लीन होना। जो बच्चा अपने खुद में ही लीन रहता है उसे तो समझ में नहीं आता है कि सामने वाला उसे क्या बात कर रहा है, वो तो अपने में ही खोया रहता है। कई बार आपने देखा होगा कि ये तो अपने में ही खोया रहता है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो वो एक डिसेबिलिटीज का शिकार होता है, वो उस डिसऑर्डर का शिकार होता है। किसका, ऑटिज्म का। जब वो खुद में ही लीन रहता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, ना ही वो किसी को कुछ भी समझा पाता है। तो एक आपका ऑटिज्म और एक आपका अफेजिया, इन दोनों में अंतर है। और वो अंतर कहते क्या है कि इसमें तो स्वयं में ही लीन रहता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन अफेजिया के अंदर क्या होता है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। अगर उसे कोई अजनबी या फिर कोई भी अजीब चीज देख ली होती है, उससे पूछा जाता है कि भाई क्या हुआ आपको, तो वो उसको अच्छे से समझा भी नहीं पाता है कि मैंने क्या देखा या मेरे साथ क्या हुआ। तो ये दोनों जो है इसमें थोड़ा डिफरेंट है। उसके बाद लास्ट में आपका ADHD, फुल फॉर्म क्या है इसकी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब ये बहुत ज्यादा थोड़ा कॉमेडी टाइप का डिसऑर्डर है। वो कैसा है, अटेंशन यानी कि ध्यान संबंधी विकार है, यानी ध्यान संबंधी विकार, इसको ऐसे लिख लीजिए, ध्यान संबंधी विकार। अब हाइपर एक्टिविटी यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिव होना, आपने कई बच्चे भी देखे होंगे एक जगह टिक कर नहीं बैठते हैं क्योंकि उनको ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन हर कोई ये समझ नहीं पाता है क्योंकि उनको बोलते हैं बेटा एक जगह बैठ जाओ, आप एक जगह बैठ कर खेल लो, लेकिन वो नहीं खेलेंगे क्योंकि उनकी बॉडी जो है उनमें, तो ये सोचिए कि उनको ये प्रॉब्लम है कि वो टिक कर नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि उनके अंदर जो एक्टिविटी पावर है वो बहुत ज्यादा है, तो वो इस डिसऑर्डर से परेशान होते हैं और वो किसी चीज पर उस वक्त ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम होती है। तो आपके घर के अंदर बहुत, घर में या फिर आसपास आपने बहुत बच्चे देखे होंगे, ये तो प्रॉब्लम जो है वो हर 10 में से 2 बच्चों की तो होती है कि वो एक जगह आराम से बैठकर किसी बात को ना सुन पाते हैं और ना ही वो बैठ सकते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो आज हमने 9 जो है वो डिसेबिलिटीज पढ़ी है। इसके अलावा आपकी बाइपोलर डिसऑर्डर भी होता है, कौन सा आपका, बाइपोलर डिसऑर्डर। ये कैसा डिसऑर्डर होता है, ये ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें कि मूड जो होता है वो कब इंसान का बदल जाए समझ में ही नहीं आता है, यानी कि किसी इंसान का मूड अभी ये था थोड़े टाइम के बाद ही उसका बदल गया, तो ये मूड डिसऑर्डर होता है, यानी कि मूड संबंधी होता है। एक और आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो डिसेबिलिटी डिसऑर्डर है वो कौन सा है, एनोरेक्सिया।
एनोरेक्सिया क्या होता है, इसके अंदर जो खाने संबंधी प्रॉब्लम होती है यानी ईटिंग डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, जैसे कि ये जो है ज्यादातर किसमें पाया जाता है, लड़कियों में अक्सर होता है। आप देखते हैं कि लड़कियां जो होती हैं कई बार फास्ट रन लेती हैं, भूख नहीं लगती है, तो ये जो भूख संबंधी प्रॉब्लम होती है या फिर वो अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए कम खाती हैं, तो ये जो होता है उनको ये एक डिसऑर्डर होता है, ऐसे ही नहीं होता है। तो आपको जब आ जाए एनोरेक्सिया यानी कि खाने संबंधी जो विकार है, ईटिंग डिसऑर्डर है, वो ये भी एक प्रॉब्लम होती है जो कि अक्सर लड़कियों में होती है। तो आज हमने इतने सारे डिसेबिलिटीज पढ़ी, सीखने संबंधी विकार पढ़े और इन्हीं के अंदर से आपके क्वेश्चन आएंगे, आप 4 से 5 मार्क्स इसमें से ले सकते हैं। तो आप वीडियो को बार बार देखिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद आता है तो ही लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।